सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी जाएंगे। शहबाज शरीफ अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात भी करेंगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब, कितनी अहम हो सकती है आज की ये मुलाकात और मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए कोई खास उम्मीद लेकर जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं आज अडियाला जेल में जाएंगे और उसके बाद उनके साथ जो हैं मियाँ हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी होंगे। इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं पार्टी के कि ये जो मुलाकात है ये इसकी अहम है कि इसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं 4 सितंबर को, उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ से हतमी जो है वो राय लेंगे कि किसको क्या किया जाए। चूंकि अपोजिशन के अंदर जो दराड़ें आई हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बाकी जो अपोजिशन जमातें थी जिसमें मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है उसने अपना उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान को जो है वो उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इसलिए जो है मियाँ शहबाज शरीफ हतमी फैसला लेने जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ से कि क्या किया जाए और अपोजिशन को मुद्दत किस तरह रखा जाए। इस हवाले से पार्टी जराए का ये कहना है कि आज की जो मुलाकात है वो सिर्फ सदारती इंतखाबात के हवाले से है और उसके साथ साथ जो है बाकी जो है जाहिर है जब ये जाएंगे मियां शहबाज शरीफ वहां पे मुलाकात होगी तो बाकी जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू जरूर होगी। जी भट्टी साहब, ये भी बताइएगा जिस तरह से इससे पहले की जो गुज़श्ता मुलाकातों को देखा जाए तो खबरें तब यही बाहर आईं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की अब तक की कारकर्दगी जब से वो जेल गए हैं वो कोई मुतमईन नजर नहीं आए। आप समझते हैं कि वो डेडलॉक बरकरार रहेगा या फिर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कोई मुशावरत हो सकती है, मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाया जा सकता है? जी देखिए, जो खुर्शीद शाह साहब जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें गुज़िश्ता रोज सामने आया है दोपहर के करीब पे उसमें कहा गया था कि फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तेहाद हैं उनके हवाले से ये बयान आया है कि उन्होंने कोट किया है फवाद चौधरी साहब को कि उन्होंने जो है एतजाज हसन के ऊपर जो है उनके नाम पर बिल्कुल मुतफिक हुए थे और मुतफिका नाम था कि सदर के इंतखाबात के लिए वो आएंगे लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने अपना उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है सदर के लिए नामजद कर दिया। इस हवाले से जो आपने बात की कि उनके मुतमिन नहीं है लेकिन कुछ फैसले जो है ये मुमकिन नहीं हुआ कि अभी तक जितने फैसले भी हुए हैं उसके अंदर तमाम फैसलों में मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को हमेशा जो है उनको एतमाद में लेकर ही फैसले किए हैं और अब ये जो सदर का फैसला है ये भी वो आज जा रहे हैं और उस हवाले से जो है आज वो तफसीली मुलाकात करेंगे अडियाला जेल में और उसके बाद ही कोई लाया मलता होगा और मियाँ नवाज शरीफ डेफिनेटली कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह जो है अपोजिशन तमाम जो जमाते हैं उनको इकट्ठा और साथ लेकर चला जाए। इस हवाले से हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ को ये कह दे कि किसी भी तरह जो है सदर आसिफ जरदारी को पैगाम भेजा जाए, खुर्शीद शाह साहब को एक मरतबा फिर उनको फाइल करने की कोशिश की जाए कि एक मुतफिका अपोजिशन का उम्मीदवार जो है वो बतौर सदर उम्मीदवार सामने आना चाहिए ना कि 2-3 उम्मीदवार सामने आए जिसका सरियन और तमाम दर फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा सकता है। जी ठीक है, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी जाएंगे। शहबाज शरीफ अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात भी करेंगे। शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी।